नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम स्पिरिचुअल। आपके साथ मैं हूँ रीना। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन बजरंग बली को समर्पित है। मंगलवार के दिन के लिए कुछ नियम बताए गए हैं। नियमों का पालन करना जरूर करना चाहिए, वरना मंगलवार के दिन की गई गलती जमकर नुकसान कराती है, साथ ही जीवन में अशांति लाती है। मंगलवार के दिन ही हनुमान जी की पूजा करना, सिंदूर को चोला चढ़ाना बहुत लाभ देता है, लिहाजा मंगलवार के दिन कोई ऐसी गलती ना करे जो आपको आर्थिक नुकसान पहुँचाएगी। मंगलवार के दिन कुछ चीजों को खरीदना वर्जित किया गया है, साथ ही कुछ काम करने की मनाही की गई है। मंगलवार के दिन बताए गए नियमों की अनदेखी करना आपकी आर्थिक स्थिति पर बहुत भारी पड़ सकता है। पहला है भूमि पूजन। मंगलदेव को जमीन का स्वामी बताया गया है, लिहाजा मंगलवार के दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए, वरना धन हानि हो जाती है। इसके अलावा मंगलवार के दिन नया घर नहीं खरीदने चाहिए, ना ही नया घर का निर्माण शुरू करना चाहिए, वरना घर के मुखिया की सेहत पर असर पड़ता है। काला कपड़ा। मंगलवार के दिन कभी भी काले या नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, इससे आर्थिक तंगी बढ़ती है, धन हानि होती है, जीवन में कष्ट बढ़ते हैं। लोहा। मंगलवार के दिन लोहा खरीदना भी बहुत अशुभ फल देता है। मंगलवार को लोहा खरीदना बजरंग बली को नाराज कर सकता है और आर्थिक हानि के योग बनाता है। श्रृंगार का सामान। मंगलवार को आजीवन ब्रह्मचारी रहे हनुमान जी को समर्पित है, लिहाजा मंगलवार के दिन श्रृंगार या सुहाग की सामग्री नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं बढ़ती है, पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ते हैं। कांच का सामान। मंगल ग्रह साहस और शौर्य का प्रतीक है। मंगलवार को कांच के बर्तन या सामान खरीदना अशुभ फल देता है, धन नष्ट होता है। दूध की मिठाई। मंगलवार के दिन बेसन की मिठाई खरीदना और हनुमान जी को भोग लगाना जीवन में अपार सुख समृद्धि देता है। इस दिन दूध की मिठाई खाने, खिलौने खरीदने व बेचने से बचना चाहिए। इसके अलावा मांस मदिरा और शराब। मंगलवार के दिन ना तो नॉनवेज का सेवन करें, ना ही खरीद कर घर में लाएं। ऐसा करने से हाथ से कष्टों को बुलावा देना होता है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।